नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिशे। लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालकर एक तरफ बीजेपी पर हमला कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने विवादित बयान दे दिया। दरअसल सोनभद्र में भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अमर्यादित शब्द बोल दिए। अजय राय ने अपने बयान में स्मृति ईरानी को लेकर कहा कि अमेठी में वो लटके झटके दिखाने आती है। साथ ही अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में बनारस सीट से हराने की खुली चुनौती दी और कहा कि उनको बनारस से मैं हराऊंगा। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय सोनभद्र भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे। जब पत्रकारों ने वहां उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी सरकार की ओर से देश और प्रदेश में पैदा की गई नफरत को समाप्त करने और अत्याचार के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रतिदिन 100 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर उनका स्वागत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को बड़े स्तर पर जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गब्बर सिंह टैक्स लगाकर व्यापारियों पर अत्याचार कर रही है, व्यापारियों के साथ कांग्रेस पार्टी डट कर खड़ी है। साथ ही अजय राय ने अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी लटके झटके दिखाने आती है, अमेठी राहुल गांधी और कांग्रेसियों का गढ़ रहा है और रहेगा। अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2022 के चुनाव में बनारस सीट से हराने की खुली चुनौती दी और कहा कि उनको बनारस से मैं हराऊंगा। वहीं बीजेपी ने इसकी पुरजोर निंदा की है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर तिवारी ने कहा कि जिसका नेता स्मृति ईरानी से चुनाव हार गया हो वो क्या लड़ेगा चुनाव। स्मृति ईरानी पर अमर्यादित बात कांग्रेस के लोग ही बोल सकते हैं। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है। यूपी में 2022 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उसके नेता देश की एक मंत्री को लटके झटके मारने वाला बता रहे हैं। कांग्रेस नारी का कितना सम्मान करती है वो कांग्रेस नेता के बयान से साफ हो गया है। आजम खान ने भी जया प्रदा को लेकर ऐसा ही बयान दिया था, जिसके बाद आजम खान का हाल किसी से छिपा नहीं है। नारी सम्मान का नारा देने वाली प्रियंका गांधी को सांप सूंघ गया है, लेकिन कांग्रेस नेता के इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस ना तो पद का सम्मान करती है ना ही नारी का सम्मान करती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रियंका गांधी अपने नेता पर कोई एक्शन लेती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।